देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए तमाम तरह की बगावतें भारतीय जनता पार्टी में पहले भी होती रही है, और ये आपको दो उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। जो राज्यों के लीडरशिप ने नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया, और उनका विद्रोह सफल भी रहा, और जब उन्होंने विद्रोह किया तो वहाँ भाजपा का नुकसान हुआ। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, और कर्नाटक में येदुरप्पा। आपको याद होगा कि जब सिद्धारमैया की सरकार 2013 में जब भी बनी थी, मुझे याद लगता है 2013 में ही बनी थी, उस समय येदुरप्पा ने एक अलग पार्टी बना ली थी और भारतीय जनता पार्टी के वोटों में सेंध लगा दी थी, क्योंकि येदुरप्पा को ये लगता था कि हमने काफ़ी वहाँ पे मेहनत करी और हमें जलील किया गया। कल्याण सिंह जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जंग तो आप जानते ही हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, और उस जंग के दौरान ये हालात हो गया था कि लोकसभा में भी उसका प्रभाव पड़ा था। लोकसभा की सीटें अगर 1999 की सीटों को अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 29-30 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि उससे पहले 96-98 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 55-56-58 सीटें पार्लियामेंट में आ रही थी। 99 में बीजेपी का पुअर परफॉर्मेंस था उत्तर प्रदेश के अंदर, हालांकि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन गई थी। मामला राजस्थान का है। देखिए, वसुंधरा राजे जी की नाराजगी का जो मसला है ये लंबे समय से है। देखिए, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर लास्ट थी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, अशोक गहलोत साहब सरकार आया, और भाजपा तब आ रही जब वसुंधरा राजे जी का नेतृत्व था और भाजपा हार गई। उसके बावजूद भारत वसुंधरा राजे के जब भाजपा हार गई वहां पे राज्य में, और उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो मोदी मैजिक चला, और वहां राज्य में भाजपा के हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें मिल गई और कांग्रेस जीरो रही, और अशोक गहलोत साहब लोकसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जो उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस ने दिया था। तो ये हाईकमान कांग्रेस भाजपा हाईकमान को एक मौका मिला कि देखिए मोदी मैजिक से कितना प्रभाव पड़ा कि लोकसभा की सारी सीटें हम जीत गए और राज्य विधानसभा आप नहीं भिजा पाए। तो उसका सीधा इम्पैक्ट है कि वसुंधरा राजे ने माना भी जाता है कि जो जो गुजरात के जो लीडरशिप है, चाहे अमित शाह जी हों चाहे नरेंद्र मोदी हों, वसुंधरा राजे को लाइक नहीं करते, और वसुंधरा राजे की बड़ी कोशिश रही कि उनके पुत्र जो दुष्यंत सिंह हैं, दुष्यंत सिंह ही शायद नाम है, जो सांसद हैं, तो उनको मंत्री बनाया जाए, तो मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो ये कसमकश तो 2019 में शुरू हो गई थी। हालांकि वसुंधरा राजे भाजपा के उन नेताओं में आई जाती हैं, मानी जाती हैं, जो चरण वंदना परंपरा की नहीं है। चरण वंदना परंपरा आप समझते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा चरण वंदना परंपरा है, जिसमें मतलब हाथ जोड़ के नेता लोग खड़े रहते हैं पार्टी के बड़े नेता के पास, आरएसएस के लीडरों के पास, आरएसएस के प्रचारकों के पास, और पार्टी में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए वो नतमस्तक रहते हैं केंद्रीय लीडरशिप या जो भी पावर में रहता है, तो वो उन लीडरों में नहीं मानी जाती। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसे वीएस येदुरप्पा लिंगायत वोट और कास्ट वोट के बेस पर जिस ढंग से कर्नाटक में उन्होंने बेस बनाया था और उन्होंने आंख दिखा दिया था भाजपा को, मजबूरी में दोबारा जब भाजपा की सरकार याद आई तो आपको याद होगा कि येदुरप्पा को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। कल्याण सिंह भी एक जाति विशेष के नेता थे, ओबीसी पिछड़ों का नेता बन गए थे, तो उन्होंने भाजपा को आंख दिखाया, तो कल्याण सिंह को अल्टीमेट ठीक है, कल्याण सिंह उस तरह से उत्तर प्रदेश भाजपा में स्थापित नहीं हो सके, लेकिन भाजपा में दोबारा आए और उनके बेटे भी सांसद हैं, अब उनके पुत्र भी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, तो भाजपा ने उनको स्वीकार किया। तो वसुंधरा राजे उन परंपराओं की भाजपा में नेता हैं जो ना चरण वंदना संघ परिवार का करे और ना चरण वंदना करे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व है। आंख दिखाने की क्षमता रखती है, और आंख दिखाने की क्षमता रखने का एक परिणाम आपने देखा होगा पीछे कि जब क्या कहा जाता है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत हुई बिटवीन कांग्रेस और राजेश पायलट साहब के जो पुत्र हैं सचिन पायलट साहब ने 14-15-18 जितने भी विधायक के साथ एक बागी तेवर जब अपनाया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के उस संपर्क में आए सचिन पायलट साहब, तो उस समय संकट मोचक जो अशोक गहलोत साहब की थी वो वसुंधरा राजे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।